होता है तो वो ऐसे नहीं बनता, उसके पीछे एक काज होता है। शायद ये एसोसिएशन 5 साल 10 साल पहले रिकग्निशन है, उसको जरूरत आई कि हम किसी एक जगह पे इकट्ठे हों, और उसकी वजह से आज ये जो है हमारी एसोसिएशन जो है अनाउंस करने जा रहे हैं। तो मैं कोली साहब को दूंगा, कोली साहब कुछ इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। हाँ विक्रम जी प्लीज। आप सब लोगों ने जो यहाँ पे मेरे साथ मेरे भाई लोग बेंच पे बैठे हैं उनसे सुन लिया, ऑलमोस्ट जितनी भी होलिस्टिक बात थी आप लोगों ने फिल्म को रिलेटेड जो भी थी वो आपने इनसे सुन ली, और मैं इनसे मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही है। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी फिल्म से बिलोंग करता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और उसके साथ एक फिल्म मेकर भी हूँ। तो मैं इसको थोड़ी सी एलैबोरेशन में ले जाना चाहता हूँ। वो ये है कि जम्मू कश्मीर जो हमारी सीने एसोसिएशन है, ये कोई अभी हम बोले कि इमीडिएट के जो फिल्म से रिलेटेड लोग हैं, इवन थिएटर के भी जो थिएटर की फिल्म में कर रहे हैं, थिएटर फिल्म में कर रहे हैं, वो सब लोग जो है इसमें शमूलियत आते हैं। लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो मैं आपसे ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे मुश्ताक जी ने बोला काली भेड़े तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि कुछ लोग जो हैं जो बाहर से आते हैं, मैं बाहर की डेफिनेशन जो है वो आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जो बाहर से आते हैं और यहाँ पे आके अपनी जो लिस्टिंग करवा रहे हैं, लिस्टिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से और आप लोगों से भी यही एक सिर्फ कहने की मैं मंशा रखता हूँ कि ये जो लिस्टिंग करवा रहे हैं इसमें कितनी डेप्थ है, कितनी सच्चाई है, प्लीज इसके अंदर आप लोग जर्नलिस्ट लोग हैं जरा इसको ध्यान से देखिए और सुनिए। अब बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये चल रही कि पिछले कुछ दिनों से आप लोग भी मीडिया के भाई लोग, मैं भी उनमें हूँ, एक चीज को देख रहे हैं और उनमें से कई भाई लोग उसको कवर भी कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको नामकरण करना है, उसको क्राइस्टियन करना है किसी नाम से। अब मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री वो खिताब जो बाहर से आया हुआ है वो किस तरह से उसको जस्टिफाई कर रहा है कि जम्मू कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री को वो नामकरण करेगा या वो क्राइस्टियन करेगा उस नाम, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अगर ये बात हमारी एडमिनिस्ट्रेशन समझ रही है और मान रही है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को फिर जम्मू कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री को लाने में जरूरत क्या थी, वो तो बड़ी देर से आई हुई है। जम्मू कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसके तहत आपको जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी आई है, और उसके अलावा आप जैसे जानते हैं कि फिर मुझे बताइए कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं। आई एम टॉकिंग इट वेरी क्लियरली, सम अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स हैव कम इन जम्मू, एंड आई थिंक आफ्टर द रिमूवल ऑफ 370 दे आर ये ना एक फ्री बैटल ग्राउंड टाइप्स बन गई है जम्मू कश्मीर में। बाहर से कोई आता है वो कहता है मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मैं सन उतने में यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ से गया, अरे भाई आप इधर से बहुत से लोग पैदा हो गए, आज मुंबई में अपना नाम कर रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा नाम ले रहे हैं, वो तो नहीं वहां से उठ के आ रहे हैं यहाँ पे हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को बरगलाने के लिए कि मैं ही इसका जो हूँ वो मतलब हाँ किया करता हूँ, मैं ही हूँ उसका। मेरे को सिर्फ इतना ये दुख है, दुख क्या है, दुख तो नहीं है, दुख का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज को हम मानते ही नहीं है, इलीगल है ये। मैं कैसे एक अपने तौर पर एक फिल्म जेके जम्मू कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री का एक नामकरण करना शुरू कर दूं और मैं बोलूं कि जम्मू कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री का नामकरण मैं करता हूं, मैं ये वाला वुड डाल देता हूं उसको, ये वाला शुड डाल देता हूं, ये वाला टुड डाल देता हूं, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल व्हेन ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री एग्जिस्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज ऑलरेडी देयर। एंड सेकंडली इंपॉर्टेंटली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर दैट जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल इज देयर, हमारी जो एसोसिएशन बनाने का मैं फिर कहूंगा बनाने की बात नहीं है, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट हमें जो वो जैसे तारिक भाई ने या शायद राहत भाई ने कहा कि इसको 5 साल या 10 साल पहले एग्जिस्टेंस में आना चाहिए था, हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम सब भाईचारे के साथ काम कर रहे थे, हमें जरूरत नहीं पड़ी इसकी एसोसिएशन की, लेकिन आज हमें इसकी बहुत शिद्दत से जरूरत है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वही जो मुश्ताक भाई ने कहा कि काले भेड़िए आज एक आया है, कल दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आएगा, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं कहूंगा उसके बाद मेरे भाई लोग लेंगे कि ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन है, ये एक करप्ट प्रैक्टिस लेकर बाहर से आई गई है, जिसमें हमारे अपने हम जिस उम्र में हम लोग हैं, आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है, और माफ करना आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी में ये भी हो रहा है
कि लोगों को बरगला लिया जाता है, उनको कुछ स्वीट डील्स दे दिए जाते हैं कि आपके साथ इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे, इस तरह से कनेक्ट करेंगे, बाहर से हम फिल्में लेकर आएंगे और आप हमारी फिल्म के साथ साझेदारी कीजिए, जो नहीं एडमिसिबल नहीं है। यहाँ हमारे यंग बच्चे जो अभी नई क्रॉप है हमारी इसकी जो फिल्म में आ रही है, उनका तो रॉ माइंड है ना। इस बच्चे को किसी एक बच्चे को बोल दिया जाए, इस बेटी को बोल दिया जाए कि आपको हम फिल्म में